हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं तृष्णा, आप लोग सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे असम में फिर से स्वागत करती हूँ। और अभी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को ITI रिलेटेड जो भी जॉब अपडेट दूँ, आप लोगों को मिलता रहे। तो फिर आइए देखते हैं किस चीज़ का निकला है वैकेंसी। ये देखिए, सेल में निकला है एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन भिलाई स्टील प्लांट का निकला है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारा पोस्ट है। ये कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, कंसल्टेंट, मतलब ये बहुत सारा अलग अलग पोस्ट है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ITI का क्या पोस्ट है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर ITI रिलेटेड जॉब का अपडेट आप लोग को देते हैं। तो फिर देखते हैं यहाँ पर ITI रिलेटेड कौन सा जॉब है। ये देखिए, आप लोगों का यहाँ पर ITI के लिए दिया हुआ है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का दिया हुआ है, S1 ग्रेड का। यहाँ पर देखिए, फिटर के लिए है यहाँ पर टोटल 28 पोस्ट, और इलेक्ट्रिशियन के लिए टोटल 15 पोस्ट दिया है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी 3 पोस्ट दिया है। और ये देखिए, हैवी व्हीकल ड्राइवर HVD माइंस का भी 4 दिया है। और यहाँ पर देख लीजिए, UR के लिए फितर का है 19 पोस्ट, और इलेक्ट्रिशियन का UR के लिए 11 है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 3 है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी 3 है, और हैवी व्हीकल ड्राइवर का 4 है। और यहाँ पर देखिए, SC का कितना है, SC का फितर में 6 है, और 4 है बैकलॉग का, और इधर है इलेक्ट्रिशियन का 3 और 2 है बैकलॉग का, और हैवी व्हीकल ड्राइवर का 1 है और 1 एक्स्ट्रा बैकलॉग का है, और ST का नहीं है, और OBC के लिए फितर का 1 है पोस्ट, और EWS के लिए फितर का यहाँ पर 2 पोस्ट है, और PWBD के लिए देखिए यहाँ पर फितर का 3 पोस्ट है और 2 एक्स्ट्रा से बैकलॉग का है, और इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी 1 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी 1 है। और यहाँ पर देखिए, ESM के लिए फितर के लिए 4 है, और इलेक्ट्रिशियन में 2 है। और ये देखिए, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का भी यहाँ पर E1 का है ये। और यहाँ पर देखिए, आप लोग का एज लिमिट दिया है 30 ईयर्स दिया है। और ये देखिए, आप लोग का यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं BE BTech फुल टाइम इन रिलेवेंट ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, एंड हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फैक्ट्री इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर्स आफ्टर आप लोग को, मतलब डिग्री या फिर इंजीनियरिंग या फिर क्वालिफिकेशन के बाद। यहाँ पर देखिए, प्रोसेस PG डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट में है, तो भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आप लोग का एक्सपीरियंस इज हैजार्डस इंडस्ट्री इज डिजायरेबल। और ये ITI वालों के लिए है फितर, ITI अगर आप लोग का ITI है या फिर डिप्लोमा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अभी SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर्स, और OBC NCL के लिए 3 ईयर्स दिया है, और PWBD के लिए 10 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया है, और ये डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ JNK फ्रॉम उन लोग के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए, SC ST OBC EWS PWD इन लोगों के लिए रिजर्वेशन भी है। गाइज, यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर दिया हुआ है ST के लिए, यहाँ पर ST जो भी पोस्ट है उन लोगों के लिए 500 है, और S1 के लिए 300 है, और E1 और एबव के लिए 700 है। और यहाँ पर देखिए, SC ST के लिए E1 और एबव के लिए 200 है, और ST के लिए 150, और S1 के लिए 100 रुपीज़ है। और यहाँ पर आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो आप लोग का इंटरव्यू होगा और रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस में होगा, और रिटर्न एग्ज़ाम आप लोग का CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और MCQ होगा। और यहाँ देखिए, ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन का जो पोस्ट के लिए सिलेक्ट होगा, ग्रेड S1 को
फर्स्ट ईयर में पहले आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो पहले यहाँ पर आप लोग को ट्रेनिंग में मिलेगा 12,900 रुपीज़ S1 का, और सेकेंड ईयर में मिलेगा 15,000 रुपीज़, और S3 का यहाँ पर मिलेगा 16,100 रुपीज़, और सेकेंड ईयर में मिलेगा 18,300 रुपीज़। और ये देखिए आप लोग का स्टार्टिंग होगा ये एप्लीकेशन 26/11/2022 को, और यहाँ पर क्लोजिंग डेट दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 17/12/2022। अगर आप लोग सेल में अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा, जब 26 तारीख को स्टार्ट होगा तब आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आप लोग का रिटर्न एग्ज़ाम होगा आप लोग का, तो रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद आप लोग को सिलेक्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का इन्फॉर्मेशन इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का रिसेंट अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज़।